अपना विदेश जान का सपना पूरा करना चाहते हो ता आज ही मिलो फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट मंडी डबवाली दे इमिग्रेशन प्रोफेशनल मिस्टर अक्षय शर्मा नु फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आईएलएस एंड वीजा सर्विसेज डबवाली विखे सब तो खास गल फरीद इमिग्रेशन विखे एक क्लास विच सिर्फ 15 स्टूडेंट्स नु ही पढ़ाया जाता है रिफ्यूजल केस एक बार सलाह ले जरूर मिलन वधेरे जानकारी ले आज ही मिलो फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आईएलएस एंड वीजा सर्विसेज दिल्ली बेरिंग स्टोर दे नाल गोल चौक मंडी डबवा नमस्कार तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अच्छी खबर की और जिसमें किसानों के लिए फायदे की बात होगी हम शुरुआत करेंगे। दरअसल मंडी डबवाली के मांगियाना के फल उत्कृष्ट केंद्र के अंदर सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम इफको की तरफ से आयोजित किया गया था जिसमें मुख्यतः नैनो यूरिया किसानों तक किस तरीके से पहुंचे ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और न ही किसानों को हर बार की तरह यूरिया की किल्लत से जूझना पड़े बल्कि इसको लेकर अब इफको के तमाम अधिकारियों ने एक बड़ी रणनीति तय की है। वो डबवाली के 40 पैक्सों के प्रबंधकों और सेल्समैनों के साथ बैठकर एक प्रोग्राम तैयार किया गया है जिसमें उन तमाम अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है कि किस तरीके से सहकारी समितियों के अंदर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके क्योंकि अक्सर यही होता था गोदामों के अंदर जिस तरीके से इफको के प्रोडक्ट पहुंचते थे वो किसान तक अपनी पहुंच बना नहीं पाते थे लेकिन इस बार इफको की तरफ से एक स्पेशली एक ट्रेनिंग दी जा रही है तमाम पैक्स के अधिकारियों को ताकि किसान तक हर वो प्रोडक्ट चाहे वो यूरिया डीएपी की बात हो इसके अलावा जितने भी इफको की तरफ से प्रोडक्ट है वो सही वाजिब दामों पर किसान तक सबसे पहले पहुंचे और किसान को किसी भी प्राइवेट दुकान से जाकर शॉर्टेज के वक्त में ज्यादा कीमत ना चुकानी पड़े इसको लेकर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसमें मुख्य तौर पर जो जीएम सुरेंद्र भादू जी हैं ये कोऑपरेटिव बैंक सिरसा से विशेष तौर पर पहुंचे और इनके नेतृत्व में तमाम जो यहां पर पैक्स के अधिकारी सेल्समैन पहुंचे थे उनको ट्रेनिंग दी गई है। मुख्यतः चार बड़े बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डबवाली के 40 पैक्सों के जितने भी प्रबंधक और सेल्समैन हैं उनको एक कड़ी रणनीति के तहत ये पूरी जो जानकारी है वो दी गई है और डबवाली से डॉक्टर सचिन शर्मा जो कि क्षेत्रीय अधिकारी इफको के हैं उनकी तरफ से और चरणजीत सिंह जो क्षेत्रीय सहायक और जितेंद्र पाल टीएमई इफको के हैं इनकी तरफ से ये पूरी टीम अब इस पूरे कार्यक्रम के बाद किसानों के लिए लीड करेगी ताकि उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो एक मंच के नीचे दी जा सके। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं नैनो यूरिया तरल इफको का क्योंकि ये प्रोडक्ट किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँच सकता है किसानों को आसानी से कैसे मिल सकता है और तमाम जो किसान है क्योंकि किसानों और इफको के जितने भी सेल्समैन हैं इनके बीच में एक कड़ी का काम है वो पैक्स करती है लेकिन इसी पैक्स के अंदर किसान को सबसे बड़ा फ़ायदा कैसे मिले क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है जब इफको की तरफ से नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया और उसके बाद इसकी इतनी डिमांड बढ़ी है और किसान इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहा है क्योंकि अब उसका पीछा उन कट्टों से छूटा है जो भारी भरकम 50-50 किलो का वजन उठाना पड़ता था और किल्लत के वक्त में भी लाइनों में लगना पड़ता था लेकिन अब नैनो यूरिया बहुत जल्दी एक बड़ा नाम कमा चुकी है इफको की तरफ से और किसानों का भरोसा बनी है। दरअसल समितियों को घाटे से उभारने के लिए भी अब सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से समितियों को घाटे से बाहर लाया जा सकेगा ताकि जो किसानों तक सही जानकारी वो मिल पाए क्योंकि इन्हीं समितियों से अगर वहाँ पर प्रॉफिट होता है तो तमाम कर्मचारियों का वहाँ के अधिकारियों का पूरी सैलरी और पूरा जो उनका आर्थिक पैकेज है वो वहीं से निकलता है जिसमें चाहे खाद की बात करें दवाइयों की बात करें तो ये तमाम चीज़ें सहकारी जो समितियाँ वहाँ से किसानों को मिलती हैं। इसमें बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर जो पूरी ट्रेनिंग दी गई इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से ना सिर्फ खाद को वहाँ पर बेचा जा सकता है दवाइयों को वहाँ से बेचा जा सकता है बल्कि सेविंग अकाउंट भी खोले जा सकते हैं क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट खुलेंगे खाद वहाँ से बिकेगी दवाइयाँ वहाँ से बिकेगी
तो जो सोसाइटियां घाटे में जा रही हैं वो प्रॉफिट में आएगी, मार्जिन में आएगी, और उन अधिकारियों कर्मचारियों का वहाँ से जो मानदेय है वो निकल पाएगा, उनकी सैलरी वहीं से मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष के लिए समिति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रॉफिट जाता है तो वो पूरे एक सोसाइटी बनी होती है, उसके अंदर जितने कर्मचारी होते हैं उनके सबके लिए समान रूप से जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट नैनो यूरिया को लेकर हम फिर मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ, क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ा एक जो हर बार की तरह एक समस्या जो किसानों को परेशान करती है वो है शॉर्टेज, क्योंकि जिस तरीके से कमी एक किसानों के सामने यूरिया को लेकर आती है उसको लेकर अब बड़ी कमर जो कसी है वो इफ्को की तरफ से कड़ी रणनीति तैयार की गई है, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से अब जो किसानों तक यूरिया नैनो की पहुंच है वो बहुत जल्दी और आसानी के साथ बन पाएगी। अब सबसे बड़ी बात है किन बिंदुओं को लेकर कर्मचारी सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो है कि अब जितने भी गोदाम हैं उनको साफ सुथरा रखना होगा, यानी कि जितने भी पैक्स आपके आसपास है वो साफ सुथरे दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट वहाँ पर डिस्प्ले भी होगा, वहाँ पर सामने साफ तौर पर डिस्प्ले के अंदर देखेगा कि प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरी बात है किसानों को प्रॉपर तरीके से वहाँ पर जागरूक भी किया जाएगा, प्रॉपर जानकारी पैक्स के अंदर किसान को जाते ही मिलेगी, अगर आपका कोई भी डाउट शंका है तो आप वहाँ पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात शॉर्टेज में रेट बढ़ते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सहकारी समिति का फ़ायदा पैक्स का ये होता है कि अगर कितनी भी शॉर्टेज बढ़े वहाँ पर रेट नहीं बढ़ेंगे, किसान को उसी जो एक तय रेट है सरकार के मुताबिक जो गाइडलाइन के मुताबिक रेट होता है उसी के अनुसार वहाँ पर आपको खाद और चाहे वो दवाइयों की बात हो वो वहाँ पर आपको आसानी के साथ मिल पाएगी। दूसरी बात है कि अब पूरे का पूरा जो रेट है वो एक फिक्स रहता है, पूरा ऑनलाइन रहता है, तमाम अधिकारियों की निगाह में रहता है कि वहाँ पर अब आपको पैक्स में किसी तरीके के रेट को लेकर आपको डाउट नहीं होगा कि आपको जो नैनो यूरिया खरीद रहे हैं वो पैकेज आपका कितने का मिल रहा है। ये जरूर हो सकता है कि आप प्राइवेट से अगर खरीदते हैं तो आपको शायद महंगा पड़े, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी पैक्स ही होनी चाहिए ताकि वहाँ से आपको आसानी के साथ आपको प्रोडक्ट है इफ्को का वो मिल पाए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब इफ्को की तरफ से जो नैनो यूरिया तरल है वो लॉन्च किया गया, लॉन्च होते ही इसने अपने शुरुआती दौर के अंदर ही एक बड़ी पहुंच किसानों तक बनाई है, किसान इसको बड़े अच्छे तरीके से पसंद भी कर रहे हैं, पैक्सों में डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पाई है इसकी जो पहली खेप आई थी वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसका असर रहा और उसकी सेल भी इतनी ज़्यादा रही कि उसके बाद इफ्को को ये सोचना पड़ा है कि भाई प्रोडक्ट की जो सेल इतनी बड़ी है तो उसकी डिमांड जब बढ़ी है तो उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको पूर्ति अगर बढ़ती है डिमांड बढ़ती है तो पीछे प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन यहाँ पर असंख्यक तौर पर होगी। अगली बात है यहाँ पर अब हर तरीके से किसानों को सहूलियत मिलेगी, तमाम जो प्रोडक्ट हैं आपको वहाँ पर वो बड़ी ही आसानी के साथ मिलेंगे, क्योंकि तमाम प्रबंधकों ने ये देखा है कि जो जो पैक्स घाटे में जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ यूरिया डीएपी को ही बेचा जाता है तो इसलिए वहाँ पर मार्जिन कम रहता है। अगर प्रॉफिट में वो पैक्स रहेंगे तो किसानों को भी सुविधा रहेगी और वहाँ पर कर्मचारियों को भी सुविधा रहेगी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर रहा और मुख्य तौर पर जीएम सुरेंद्र भादू इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहे, शमशेर सिंह जी मुख्य प्रबंधक इफ्को चंडीगढ़ की तरफ से रहे, डॉक्टर राधेश्याम जी उप महाप्रबंधक इफ्को हरियाणा चंडीगढ़ से रहे, डॉक्टर सचिन शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी इफ्को डब्वाली से हैं, जितेंद्र पाल टीएमए इफ्को की तरफ से हैं, चरणजीत जी हैं क्षेत्रीय सहायक इफ्को की तरफ से यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया था और अधिकारियों ने यहाँ पर पहुंचकर क्या कुछ बताया है वो भी आपको सुनवाएंगे और 40 पक्षों को ये पूरा जो प्रशिक्षण है वो दिया गया है। तो एक बड़ी राहत तमाम पैक्स को लेकर है कि अब एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है, आपको इफ्को के खास करके नैनो यूरिया प्रोडक्ट को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब एक ऐसी टीम तैयार की गई है जो किसान की हर जरूरत को पूरा करेगी। ना सिर्फ समितियों को घाटे से उभारा जाएगा बल्कि किसान तक वो प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट को आसानी से पहुंचाना भी पैक्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। अधिकारी ने हमारे साथ विशेष बातचीत की है और आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सेंटर द्वारा सिरसाइको सेंटर द्वारा जो ये एक दिन का प्रशिक्षण शिविर हमारे जो पैक्स कर्मचारी हैं पैक्स प्रबंधक हैं उनको जागरूक करने के लिए जो ये मांगियाना फल केंद्र में रखा गया था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि पैक्स स्टाफ को जागरूक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जागरूक होकर किसानों की कैसे सेवा कर सके।
क्योंकि जो हमारे सिरसा जिले के अंदर है ना 36 पैक्सों के माध्यम से हमारे जो स्टाफ है वो किसानों की सेवा कर रहा है जी। तो इसमें क्या था कि विशेषकर जैसे इफ्को ने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया नैनो यूरिया जी। जो कि 500 ml की पैकिंग के अंदर है। इसमें क्या है कि किसानों के लिए विशेषकर जो नैनो यूरिया आया एक अच्छा प्रोडक्ट की समझ गया, इफ्को बधाई के पात्र भी हैं इसके, क्योंकि किसान को एक थैला लगभग 45 से जो किलो का थैला है उसको उठाने के लिए, मान लो अगर किसान को 10 थैले की जरूरत है तो यहाँ ये 10 cc जो 500 ml की है 5 किलो का वजन बनता है, और वहाँ 10 थैले ले जाने के लिए जैसे किसानों को वेस्टेज भी है, मतलब जैसे खर्चा भी बढ़ जाता है, पर इसमें खर्चे की बचत भी आएगी। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट जैसे इसको द्वारा बताया गया 240 रुपये का ही प्रोडक्ट है, और इसको एक किसान एक थैले में डाल के अपने जितनी उसकी मांग है, जैसे किसी की 10 एकड़ की है, किसी की 15 एकड़ की, 20 एकड़ तक, एक थैले एक सिर्फ लिफाफे में डाल के ले जा सकता है। और इससे क्या है कि जो हमारी यूरिया की अन्य वेस्टेज है, क्योंकि ये एक स्प्रे के द्वारा किया जाना है, तो स्प्रे जब ये किसान फसल पे करेगा, चाहे वो धान है चाहे वो नरमा है, तो इसमें बचत बहुत है। तो ये एक जो विशेषकर इफ्को के हालांकि बहुत प्रोडक्ट हैं, सगारी का भी इनका एक मेन प्रोडक्ट है, परंतु जो अब नैनो आया है ये मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इफ्को ने लॉन्च किया, किसानों के लिए बहुत हितकारी और किसानों की मददगार साबित होगा। सर अभी थोड़ा सा डाउट किसानों का है कि जो इफ्को का पहले हम यूरिया का कट्टा यूज़ करते थे उसके मुकाबले में इसमें वो साल्ट नहीं है, लेकिन हालांकि साल्ट सेम है, उतनी ही मात्रा में उसके अंदर भी पूरे वो पोषक तत्व हैं जो फसल के लिए जरूरी है। आप कैसे सर वो किसानों को उन तक मैसेज पहुंचाएंगे कि वो लोग इस डाउट में ना रहें कि उस जैसी बात नहीं बन सकती या उस जैसे इसका काम नहीं करेगी फसल को? मैं ये पर्सनल लेवल पे भी कहना चाहूँगा कि मैं इस पोस्ट के साथ साथ मैं किसान भी हूँ जी, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। तो जब ये ट्रायल के तौर पे नैनो यूरिया आया था, गेहूँ के टाइम में ट्रायल के तौर पे आया था, तो मेरे को भी थोड़ा सा ट्रायल के रूप में इफ्को द्वारा दिया गया था जी। तो मैंने जब गेहूँ के भी ट्रायल किया था तो मेरी एक तो यूरिया खाद की भी बचत हुई थी, और मेरी फसल पिछले साल से गेहूँ औसतन ज़्यादा हुई, मेरा ये पर्सनल भी मानना है। तो मैं ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसान भाइयों के मन में भ्रम है, मेरा पर्सनल ये है कहना कि किसान भाइयों का ऐसा भ्रम अपना निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट लगता है कि हमारे क्या है कि हमें लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ अच्छी लगती है, जो थोड़ी सी में वो दिखती है ना, क्योंकि हम जो कृषि के लिए जो अग्रसर हो रहे हैं आज के युग में, हम कृषि में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसे लगता है छोटे प्रोडक्ट ये क्या काम करेगा, परंतु जब इस्तेमाल किसान करेगा तो इसको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके क्या बेनिफिट हैं। मैं ये नहीं मानता कि किसानों का इसमें भ्रम करना चाहिए, किसान के लिए बहुत ही अच्छी बचत है ये। यूरिया का जब थैला बारिश आ जाती है रास्ते में खराब हो जाता है, उदाहरण देता हूँ छोटा सा, परंतु ये क्या है, ये कोई खराब नहीं होगा, टाइमली देख के आप स्प्रे कर सकते हैं। यूरिया के अंदर हम कुछ मिलाना चाहें तो वो पानी हो जाता है, परंतु इसमें क्या है, इसमें स्प्रे करने में जैसे किसान नरमे में कोई स्प्रे करना चाहता है तो इसके साथ मिला के वो भी कर सकता है, तो इससे क्या है टाइम की बचत, लेबर की बचत, किसान को हर बचत ही होनी है इससे, मेरा ये पर्सनल मानना है कि इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं है। सर कोई अपनी तरफ से आप मैसेज पूरे किसानों को देना चाहें ताकि किसान लाभान्वित हो सके उस पूरे मैसेज? मैं किसानों को हमारे विशेषकर सरसा जिले के किसानों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं जितने भी हमारे इफ्को के प्रोडक्ट हैं हमारी 36 पैक्स के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, किसानों के लिए सुविधा प्रदान की हुई है, तो मेरे किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये लाभ उठाएं। हमारी 36 जो पैक्स है सिरसा जिले के अंदर कार्य कर रही है, उनके 210 सेल पॉइंट भी हैं जी। तो ये प्रोडक्ट लगभग हम अभी सारे पैक्सों में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, हमारी कुछ पैक्सें काम करना शुरू कर चुकी हैं, तो किसानों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस मामले में भाग लें, और पैक्सों के माध्यम से ज़्यादा जो उनकी अपनी सहकारी समितियाँ हैं, खुद की किसानों की सहकारी समितियाँ हैं, तो उनको भी बेनिफिट होगा, किसान उनसे मतलब अच्छे से जानते भी उनके बारे में, क्यों वहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है वो भी लोकल लेवल का है, तो इसमें क्या कोई भ्रमित होने की भी जरूरत नहीं। किसान भाइयों को ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लाभ लें। थैंक यू सो मच। आपको पता है कि जो इफ्को है ये किसानों के हितों की संस्था है, किसान का हित ही इसका मेन मकसद है। आज का जो कार्यक्रम था वो सहकारिता के जो जितने भी पैक्स के मैनेजर और सेल्समैन हैं उनके प्रशिक्षण का था, और इफ्को का जो एग्रोकेमिकल डिवीज़न है ये एक तो किसानों के लिए किसान दुर्घटना बीमा योजना प्रोवाइड कराता है, जिसमें क्या है कि कोई भी किसान 1500 से लेकर के 15000 तक की दवा खरीदता है उसका 1,00,000 रुपये का बीमा हो जाता है, जो किसी भी कारणवश किसी भी किसान की अगर कोई भी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई तो उस पर 1,00,000 रुपये बीमा देती है, जो आजकल किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्रोवाइड नहीं कराती है। दूसरी कि कोई भी अगर इफ्को MC का प्रोडक्ट है वो एक प्रिंट रेट पे मिलता है और सही दवा सही दाम पर मिलती है, और उसकी एक क्वालिटी है, उसकी एक गुणवत्ता है,
जिसके अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं और काफ़ी किसानों ने इसे अपनाया है। तो आज के कार्यक्रम में सर, जिस तरीके से आप केमिकल का पूरा पार्ट देखते हैं जी, किसानों के लिए क्या राय देंगे ताकि वो पेस्टिसाइड का कम से कम, मेरी किसानों से यही राय है कि आप कोई भी किसान है वो जितनी भी दवाइयाँ अगर इस्तेमाल करता है तो एक फार्मूला होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और उसे कितना मिल रहा है। तो जितनी भी पैकेज है दवाइयों का, इफ्को का, उसका एक नोट करें अपने डायरी में और कंपेयर करें, उसको मुनाफा होगा और एक उसे समृद्धि मिलेगी और अच्छा फील करेगा, ये हमारा वादा है।